बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 डेटा बेसिक्स को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का आगाज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले हम मैनुअल फाइल सिस्टम्स के जरिए डेटा को स्टोर करते थे और फाइल्स में हम दरअसल रिलेटेड रिकॉर्ड्स को रखते थे और उन रिकॉर्ड्स में मौजूद होता था हमारा असल डेटा। लेकिन फिर फाइल्स के बाद रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए डेटाबेस सिस्टम्स आ गए। अब डेटाबेस सिस्टम की बात की जाए तो एक डेटाबेस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। यानी दोस्तों, एक डेटाबेस हमेशा रिलेटेड डेटा से ही मिलकर बनता है और रिलेटेड डेटा इस तरह के डेटा को कहा जाता है जिसमें तमाम डेटा एक दूसरे से मुताबिकत रखता हो। मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है जिसका अपना डेटाबेस है, तो उस डेटाबेस में तमाम डेटा हॉस्पिटल से ही रिलेटेड होगा। जैसे पेशेंट्स का डेटा होगा, डॉक्टर्स का डेटा होगा और लैब्स वगैरह का डेटा होगा। अब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का डेटा उस डेटाबेस में डालना चाहें तो आप उसको मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना अलग डेटा होगा जो यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड होगा। इसीलिए वी कैन से कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। यानी डेटाबेस जिस ऑर्गेनाइजेशन का होगा, डेटा भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। अब डियर फ्रेंड्स, डेटाबेस में आपको ये तो पता लग गया कि रिलेटेड डेटा को रखते हैं, लेकिन उस रिलेटेड डेटा को भी दो तरह से रखा जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस इस तरह के डेटाबेस होते हैं जिनमें डेटा को रखने का कोई फॉर्मेट डिफाइन नहीं होता, जहां चाहे जैसे चाहे डेटा को स्टोर कर दें। जबकि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है और वो स्ट्रक्चर कहलाता है रिलेशन। और यहाँ रिलेशन से मुराद है टेबल के। यानी स्ट्रक्चर डेटाबेस में हम रिलेटेड डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इसमें तमाम डेटा रिलेशंस की शक्ल में होता है, इसीलिए इस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। अब दोस्तों, हमने रिलेशनल डेटाबेस में डेटा तो रख दिया, लेकिन अब हम उस डेटा का क्या करेंगे? यकीनन हम उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे डेटा को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और रिट्रीव करेंगे। और इन तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड होगा जो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन क्योंकि हम यहाँ रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, इसमें तमाम डेटा टेबल्स की फॉर्म में होगा, तो उस डेटा को स्टोर, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट भी तो हमें टेबल्स में ही से ही करना होगा। इसीलिए दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उस पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज करेंगे वो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने रिलेशनल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल्स तो देख ली। अब आइए जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में हम किस तरह से डेटा को स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में हम रिलेशन यानी टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टेबल है ये दरअसल एक टू डायमेंशनल एरे होता है जो कि रोज एंड कॉलम से मिलकर बनता है। ये देखिए, ये एक टेबल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं रोज और ये तमाम वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं कॉलम्स। अब ये रोज एंड कॉलम्स जहां इंटरसेक्ट करेंगे, जहां टकराएंगे, तो ये बन जाएगा सेल और इन्हीं सेल में दरअसल असल डेटा को स्टोर किया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए ये एक फाइल है जिसका नाम है स्टूडेंट और इसके अंदर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो अब अगर आप इस फाइल में मौजूद रिकॉर्ड्स को रिलेशनल डेटाबेस यानी टेबल्स में स्टोर करवाना चाहते हैं तो ये फाइल नेम अब कहलाएगा टेबल नेम। और अगर अब आप इन रिकॉर्ड्स पर गौर करें तो तमाम रिकॉर्ड्स में एक ही तरह की रिलेटेड फील्ड्स हैं, स्टूडेंट नेम क्या है और रोल नंबर और फोन नंबर। और तमाम रिकॉर्ड्स में ये फील्ड्स एक जैसी हैं,
तो अब जब आप इन फील्ड्स को टेबल्स में डालेंगे तो इनको कॉलम्स के अंदर पुट करेंगे, यानी कॉलम्स की फॉर्म में पुट करेंगे, और टेबल्स के अंदर इन फील्ड्स को कहा जाता है एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल। दोस्तों आपने एट्रीब्यूट्स लिख दिए, अब बारी आती है इन रिकॉर्ड्स को लिखने की। और दोस्तों इन रिकॉर्ड्स को दरअसल हम लिखेंगे रोस के अंदर, जैसे ये है स्टूडेंट वन का रिकॉर्ड, उसका नाम, रोल नंबर, फोन नंबर, आप रॉ नंबर वन के अंदर लिखेंगे, रॉ नंबर वन के अंदर इंसर्ट करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट टू का रिकॉर्ड लिखेंगे रॉ नंबर टू के अंदर, और इसी तरह एक फाइल में जितने रिकॉर्ड्स होंगे आप उनको रॉस के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। और रिलेशनल डेटाबेस में रॉस को कहा जाता है टपल। तो दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन के मानी है टेबल के, रॉस के मानी है टपल के, और रॉस के अंदर हम क्या करेंगे, रॉस के अंदर दरअसल हम इन रिकॉर्ड्स को डालेंगे। और कॉलम्स के मानी है एट्रीब्यूट्स के, और कॉलम्स क्या हैं, जो कि हमारे इस फाइल के अंदर रिलेटेड फील्ड्स थी वो कहलाएंगी अब कॉलम नेम। और दोस्तों ये रॉस एंड कॉलम्स की लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी, टकराएंगी, तो ये बॉक्स कहलाता है डेटा सेल, जिसमें तमाम डेटा को रखते हैं। अब आइए दोस्तों टेबल्स यानी रिलेशंस की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, नो डुप्लीकेट रॉ एग्जिस्ट, नो टू रॉस कैन बी आइडेंटिकल, यानी एक टेबल में जितने भी रॉस हैं, टपल हैं, उनमें रिकॉर्ड्स सेम नहीं होने चाहिए। जैसे ये रॉ नंबर वन है और ये है रॉ नंबर टू, और अगर आप गौर करें तो इनमें से जो डाटा है वो बिल्कुल सेम है। दोस्तों याद रखिए ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू चेंज जरूर होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आमतौर पर तमाम रॉस को एक की दी जाती है, और उस की वैल्यू हर एक रॉ के लिए डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से रॉस को आइडेंटिकल रखना नामुमकिन होता है। और कीज क्या होती है, कैसे डिफाइन की जाती है, ये हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है, ईच कॉलम हैज यूनिक नेम, यानी दोस्तों जिस तरह एक से ज्यादा रॉज में तमाम डाटा सेम नहीं होना चाहिए, वैसे ही हर एक कॉलम का नेम दूसरे कॉलम से यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कॉलम्स के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं, तो किसी भी टेबल में डाटा को निकालने के लिए एट्रीब्यूट नेम को यूज किया जाता है। अब अगर दो कॉलम्स के एट्रीब्यूट नेम सेम होंगे तो DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कॉलम के डाटा को लेकर आना है। इसीलिए हर एक कॉलम में मौजूद एट्रीब्यूट नेम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी हर एक कॉलम का नेम दूसरे कॉलम के नेम से अलग होना चाहिए। इसके बाद ये तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, द वैल्यू इज एटॉमिक, यानी ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन एग्जैक्टली वन वैल्यू। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि जब रॉस एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक सेल को प्रोड्यूस करते हैं, ये देखिए ये कहलाता है सेल, और इस सेल में ही दरअसल हमारा डाटा को रखा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों ये जो सेल है इसमें हमेशा आप एक ही वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट का नेम लिख रहे हैं तो सिर्फ सिंगल स्टूडेंट का नेम ही यहाँ पर लिख सकते हैं। के बाद ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द ऑर्डर ऑफ रॉस इज इनसिग्निफिकेंट। दोस्तों याद रखिए जब हम टेबल में डाटा को इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, तो वो डाटा हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में डालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रॉ का डाटा इंसर्ट करेंगे, सेकेंड रॉ का, फिर थर्ड रॉ का, एंड सो ऑन। लेकिन जब हम रॉज में से डाटा को रिट्रीव करेंगे, निकालेंगे, तो इसका फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि हम जिस रिकॉर्ड को चाहें रिट्रीव कर लें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक रॉ को एक यूनिक की दी जाती है, तो उस की बदौलत हम सिर्फ की का नाम देंगे और उस की के सामने जो भी रिकॉर्ड होगा वो रिट्रीव हो जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। दोस्तों जिस तरह रॉस को रिट्रीव करने के लिए हमें किसी ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हर एक रिकॉर्ड की मौजूद है, जो कि हर एक रॉ की अपनी अलग अलग वैल्यू है, जिसकी बदौलत हम रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेंगे रॉ के अंदर से। ऐसे ही क्योंकि हर एक कॉलम का नेम डिफरेंट होता है, तो हम जिस कॉलम को रिट्रीव करना चाहें उस कॉलम का नाम दे देंगे और उस कॉलम में रखा डाटा हमारे पास आ जाएगा। इसीलिए वी कैन से द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द रिलेशन नेम इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट। दोस्तों जिस तरह एक टेबल में मौजूद हर एक कॉलम का नेम डिफरेंट होना चाहिए,
अलग होना चाहिए। ऐसे ही एक डेटाबेस में मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, यानी रिलेशंस के माने हैं टेबल्स के, यानी एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो हर एक टेबल का नेम भी डिफरेंट होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज रिलेशंस की। यहाँ तक हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बताया। अगले लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज क्या होती हैं और कीज की टाइप्स क्या होती हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।